चिट्ठी आई है भोपाल से विद्या मौसी की, शादी में नहीं आ पाएंगी। देखो कहाँ कैसे होगा शादी का, कैसे होगी विद्या की शादी, मौसी नहीं आ रही उसकी। बस करो आप, छोड़ो इन, हमेशा ना आखिरी वक्त बताएगी कि नहीं आ रही है, इसके नाटक भी खत्म नहीं होते, छोड़ो इन। अरे तू अभी तक मेहंदी के कोन निकाल रहा है, मेहंदी कब लगाएगा, टाइम देख कितना हो गया है, सारी तैयारियां हो गई है इसकी, छेती से शुरू लगाएगी आंटी जी, पहले विक्की भैया तो आ जाए। तो विक्की ने कौन सा दूर से आना है, ऊपर ही से आना है, आवाज मार उसे, विक्की तो मेहंदी लगाने गए हैं, उनको पता ही नहीं था कि आज विद्या की सगाई है। लो कर लो बात। ओ विक्की, विक्की आ गया, विक्की देख सारी तैयारी होगी बेटा सगाई की, सिर्फ मेहंदी लगनी रह गई है। जल्दी से हमें बताया ही नहीं आपने। अच्छा लड़का मिल गया, सरकारी वकील है हमारा जवाई, लड़की डॉक्टर लड़का वकील, क्या जोड़ी बनेंगी रब दाना। चल जल्दी से मेहंदी लगा बेटा, हाँ आ जा बैठ जा यहाँ पे बैठ। टीवी के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट की जोड़ी बना रही हो आप। हम बिट्टू नाम के लड़के से ना बेटा लाइट आई है कि नहीं आई है ये पता करवाते हैं, आप पे शादी करवा रहे हैं। कहाँ है विद्या? विद्या यहाँ है हम, मम्मी पापा आप लोगों को पूरे ऋषिकेश में यही लड़का मिला मेहंदी लगाने के लिए। बेटा हम तो मना कर रहे थे, तुम्हारी मम्मी नहीं मानी। अरे अच्छी खासी मेहंदी लगाता है सारे ऋषिकेश में, ये देवर की वदिया मेहंदी नहीं कोई लगाता। चलो बैठ, आधे पैसे में काम हो जाएगा। हाँ बैठ जा जल्दी से। आधे पैसों में दुल्हन के लिए शुभ होती है विक्की की मेहंदी। और तो और दुल्हन को अच्छी टिप्स भी देते हैं जिससे शादी कम से कम 7 जन्म चलती है। 7 जन्म सुन लो, की बेटी को तो इसी ने मेहंदी लगाई थी ना, 2 महीने रही थी की उसकी शादी। पापा जैसी उसकी हरकतें थी ना उसकी शादी 2 घंटे नहीं चलती, वो तो विक्की भैया ने मेहंदी लगाई थी इस वजह से 2 महीने टेंगे। मेहंदी लगाते वक्त ही मुझ पे लाइन मार रही थी। अच्छा जल्दी जल्दी लगा, देख बढ़िया सी मेहंदी लगा ना। हाँ विद्या लगवा ले अब जैसी लगवा। अरे तुसी जाके पता करो 10 किलो मोतीचूर दे लड्डू मंगवाए सी, आए कि नहीं आए, जाओ। हाँ मैं इधर का देखती हूँ, अच्छी से लगवा ले अब अपनी मर्जी से जो लगवानी है। हाँ